वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि बहुत सारे फ्रेंड्स ने कमेंट्स किया था कि सर ICF कोच का जो भी आप लोग का अंडर फ्रेम में अंडर गियर में आइसोलेटिंग कॉक है, जैसे कि एग्जाम में आ रहा है आप लोग का 5 का संख्या में 5 नंबर्स आइसोलेटिंग कॉक रहते हैं, तो सर जैसे कि कोई गुड्स में काम कर रहा है, दूसरा सेक्शन में काम कर रहा है, कि जो कि प्रैक्टिकली कोच में देखा नहीं है, तो एक बार सर दिखाइए कि आइसोलेटिंग का कहाँ कहाँ रहता है। तो आइसोलेटिंग कॉक का काम यही रहता है कि आप लोग का एयर प्रेशर को आगे जाने देता नहीं है। तो चलिए, ये तो एक ICF कोच है, इसमें अंदर चलेंगे, बढ़िया से देखेंगे और देख के जानने का कोशिश करेंगे कि आप लोग का 5 के संख्या में आइसोलेटिंग कॉक कहाँ कहाँ पर रहता है। जैसे कि आप लोग को थियोरेटिकली पता है, लेकिन कोई कोई साथी जो कि रिलेटेड वर्क में नहीं है, पकड़ लीजिए गुड्स में कर रहे हैं, व्हाट्सएप में कर रहे हैं, अपन लाइन में, जहाँ तक कि उन लोग का डायरेक्ट गाड़ी के साथ रिलेटेड नहीं है, कोचिंग का मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, उन लोग को पता नहीं है। तो आज चलेंगे और देखेंगे जो 5 आइसोलेटिंग कॉक है ICF कोच में कहाँ कहाँ पर रहते हैं। जैसे कि आप लोग को बता दे रहे हैं कि आप लोग का BP पाइप लाइन में आप लोग का एक आइसोलेटिंग कॉक रहेगा, वो कहाँ रहेगा देखेंगे। FP लाइन में और एक रहेगा। दोनों ट्रॉली को आइसोलेट करने के लिए जो ब्रेक सिलेंडर के लिए कनेक्शन किया है, वो लाइन में 2 ठो रहेगा। और आप लोग का जो पैसेंजर इमरजेंसी वाल्व और जो PSD होता है, उसको आइसोलेट करने के लिए एक आप लोग का आइसोलेटिंग कॉक दिया हुआ रहेगा, जो कि आप लोग का 5 का मात्रा में रहेगा। तो चलिए देखेंगे कहाँ कहाँ लोकेशन है, अंडर गियर में चलते हैं और देखते हैं और जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नीचे में जा रहे हैं अंडर गियर सेक्शन में। जब भी आप लोग अंडर गियर एग्जामिनेशन करेंगे, उस टाइम आप लोग को प्रॉपर सेफ्टी आप लोग का ध्यान देना पड़ेगा। आप लोग अपना PPE पहले आप लोग सेफ्टी रखिए, उसके बाद ही आप लोग अंडर गियर में घुसिए। जैसे कि PPE का फुल फॉर्म हो गया पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे कि आप लोग का हैंड ग्लोव्स हो गया, आप लोग का सेफ्टी सूच हो गया, हेलमेट हो गया, बहुत ही एसेंशियल रहता है, जिसको कि आप लोग वेयर कीजिए, पहनी है, उसके बाद ही एग्जामिनेशन में घुसिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, अंडर गियर में चलते हैं। पहले शुरू करेंगे आप लोग का एक ही लाइन से शुरू करेंगे, अंडर गियर में आ गए हैं, पूरा सेफ्टी के साथ आप लोग को चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ज़रूर आप लोग जब भी अंडर गियर एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो आप लोग सेफ्टी बरतिए, PPE प्रॉपर यूज कीजिए। तो देखिए, एक आप लोग का ICF कोच है, इसमें देखते हैं। पहले आप लोग का देखिए यहीं से शुरू करवा रहे हैं, ये आप लोग का जो हरा है एंगल कॉक के साथ जो फिट है, वो BP लाइन है, और आप लोग का सफ़ेद जो कलर है, वाइट कलर है, वो आप लोग का FP लाइन है। तो चलिए अंडर गियर सेक्शन में चलेंगे और देखेंगे आप लोग का आइसोलेटिंग कॉक कहाँ कहाँ पर है। ये देखिए, ये पहले आइसोलेटिंग कॉक आ गए, जो कि आप लोग का दोनों ट्रॉली के लिए गया है। ये DV से आप लोग का ब्रांच पाइप, BP का ब्रांच पाइप, दोनों तरफ 2 ट्रॉली के लिए गया है आप लोग। इससे आइसोलेट कर देने से आप लोग पूरा ट्रॉली में आप लोग का ब्रेक पकड़ेगा नहीं, ट्रॉली आइसोलेट होकर रहेगा। तो ये ब्रेक सिलेंडर कनेक्शन को गया है, तो दोनों तरफ, दोनों बाजू में, दोनों ट्रॉली को आइसोलेट करने के लिए 2 ठो आइसोलेटिंग कॉक रहेगा। देखिए इसको आप लोग ऐसे आइसोलेट करेंगे, ये हो गया आइसोलेटिंग कंडीशन, जिसमें प्रेशर आगे जाएगा नहीं, ये ट्रॉली आइसोलेट हो गया। उसको अगर पैरेलल कर देंगे तो फिर आप लोग का प्रेशर जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इसी प्रकार दोनों ट्रॉली के लिए आप लोग का BP ब्रांच पाइप गया है, दोनों ट्रॉली को आइसोलेट करने के लिए।
ये देखिए, इसको आइसोलेट कर देने से ये ट्रॉली आप लोग का वर्किंग होगा नहीं, ब्रेक पकड़ेगा नहीं। आगे चलते हैं। ये देखिए, जैसे कि ये हो गया आप लोग का बीपी लाइन, ये देखिए बीपी लाइन से आप लोग का यहीं पर ब्रांच हुआ है, ये देखिए। आप लोग का ये देखिए बीपी लाइन में आप लोग का डाट कलेक्टर है जो कि डीवी के तरफ गया है, तो आप लोग का डाट कलेक्टर से पहले ये देखिए आप लोग का आइसोलेटिंग कॉक है, दिखाने की कोशिश करवा रहे। जाम हो गया, सॉरी फ्रेंड्स। ये देखिए, ये हो गया आप लोग का आइसोलेटिंग कॉक जो कि आप लोग का बीपी लाइन में जो डाट कलेक्टर है उससे पहले रहता है। इसको आइसोलेट कर सकते हैं आप, आगे प्रेशर जाएगा नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, ये दूसरा हो गया। ये देखिए, ये हो गया आप लोग का ऑक्जुलरी रिजर्वर, इसमें चलते हैं। ये देखिए, ये एपी लाइन है आप लोग का सफ़ेद वाला, देखिए एपी लाइन है जो ब्रांच होके देखिए आप लोग का गया है ऑक्जुलरी रिजर्वर में गया है। ये है डाट कलेक्टर है, ये देखिए ये डाट कलेक्टर है। इसके बाद एनआरवी है, देखिए ये हो गया आप लोग का एनआरवी है, देखिए। तो इससे पहले आप लोग का जो ब्रांच हुआ है मेन लाइन से, मेन एपी लाइन से, यहीं पर एक आइसोलेटिंग कॉक है, जिसके आइसोलेट कर देंगे तो आप लोग को ऑक्जुलरी रिजर्वर को प्रेशर जाएगा नहीं। चलिए, ये हो गया तीसरा, फिर चलते हैं चौथा, फिर दूसरा ट्रॉली में चलते हैं। ये देखिए, यहीं पर आप लोग का आइसोलेटिंग कॉक है बीपी लाइन में, जैसे कि बोले से दोनों ट्रॉली को आइसोलेट करने के लिए ये बीपी ब्रांच पाइप जो है उसके साथ कनेक्ट है। ये हो गया चौथा हो गया, इसका मदद से ये आप लोग ये वाला ट्रॉली को आइसोलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कि हम लोग एसीपी करते हैं, अगर कोई कोच में बार बार एसीपी होने से क्या करते हैं, नीचे से आइसोलेट कर देते हैं, जिससे कि जितना भी आदमी चाहेगा एसीपी करने के लिए काम वो करेगा नहीं। तो चलिए, जो पीआईबी से जाने से पैसेंजर इमरजेंसी वाल्व का कनेक्शन जाने से पहले आप लोग का बीपी लाइन में एक तो आइसोलेटिंग कॉक है, कहाँ पर देखेंगे, ये देखिए ये आ गए हैं। ये देखिए, मेन बीपी से ब्रांच हुआ है जो कि आप लोग का पैसेंजर इमरजेंसी वाल्व को गया है। ये देखिए, यहीं पर एक आइसोलेटिंग कॉक है, इसका मदद से हम लोग आइसोलेट करेंगे। बहुत ही टाइट कंडीशन में है, इसको आइसोलेट करके यहीं से ऊपर आप लोग का और प्रेशर जाएगा नहीं, और जितना भी एसीपी करेंगे तो एसीपी काम करेगा नहीं। ये देखिए, ऐसे करके आप लोग पूरा सीधा कर दीजिए, वर्टिकल कर दीजिए आप लोग का, इसका 90 डिग्री एंगल कर दीजिए फ्रेंड्स, ये आप लोग का आइसोलेट हो जाएगा। फिर पैरेलल कर दीजिए तो आप लोग का ये वर्किंग कंडीशन में आ गया। तो इसी हिसाब से फ्रेंड्स, आप लोग का टोटल पांच के संख्या में, पांच के मात्रा में आप लोग का आइसोलेटिंग कॉक रहता है एक आईसीएफ कोच में। आशा कर रहा हूँ आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी अगर डाउट लग रहा है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स करने से फिर से बताने का कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द करवा दीजिए। तो जैसे भी आप लोग का एग्ज़ाम में आ रहा है क्वेश्चन, तो आप लोग आँख बुझ के आईसीएफ कोच में पाँच के संख्या में आइसोलेटिंग कॉक रहता है, जिसका मदद से हम लोग प्रेशर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, आगे जाने नहीं दे सकते हैं, या उसको ऑन करके प्रेशर आगे भी जाने दे सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद दोस्तों।